रानिया के डोली ले जाइए दूल्हे राजा। पुलिस के थाने के सलाखे में इतना दम नहीं खे गंगा जमुना सरस्वती के बहाव के रोक सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी की एक बेहतरीन फिल्म गंगा जमुना सरस्वती। इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और इस फिल्म के बनने के पीछे की कहानी के बारे में, आखिर क्यों इस फिल्म को बनने में 6 साल का लंबा समय लग गया था, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गंगा जमुना सरस्वती एक एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरपूर फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 1 जनवरी साल 2011 को। फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आए थे बीजेपी के 3 सांसद, रुज जमाने के भोजपुरी के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार मनोज तिवारी जो कि इस फिल्म में गंगा के किरदार में नजर आए थे। गंगा सिंह नाम है समाज, हम जब शिकार पे निकली ना तो अपने दम पर। मेगा स्टार रवि किशन इस फिल्म में जमुना के किरदार में नजर आए थे। मारब कान के नीचे एक पड़ाका ना तार 7 पुश गंजा पैदा हुई। और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इस फिल्म में सरस्वती के किरदार में नजर आए थे। तनिया गमा पिछवा देख के उठावल कर ना तो कनमो के नीचवा ये झापड़ रख दे। इसके अलावा फिल्म में पाखी हेंगरे, रिंकू घोष, रानी चटर्जी, अवधेश मिश्रा, तीनू वर्मा, गोपाल राय, अनूप अरोरा जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म उस समय की भोजपुरी की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था हरी फर्नांडिस ने। फिल्म की स्टोरी को भी हरी फर्नांडिस ने लिखा था और हरी फर्नांडिस इससे पहले आज के कर्ण अर्जुन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्ट कर चुके थे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था आलोक कुमार ने। फिल्म के डायलॉग को लिखा था संतोष मिश्रा ने। फिल्म का एक्शन था आरपी यादव का और फिल्म का एक्शन सीन उस समय के हिसाब से काफी शानदार रखा गया था। फिल्म में म्यूजिक दिया था राजेश रजनीश की जोड़ी ने। गाने के बोल लिखे थे श्याम देहाती और प्यारे लाल यादव ने। इस फिल्म के गाने ने उस समय तहलका मचाकर रख दिया था। इस फिल्म में कुल 9 गाने रखे गए थे। फिल्म के ज्यादातर गानों में अपनी आवाज दिया था उदित नारायण, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मोहन राठौर, कल्पना, आलोक कुमारी, इंदु सुनाली और मधु जैसे सिंगरों ने। फिल्म के गाने सुपर हिट साबित हुए थे। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फिल्म का बजट 2,35,00,000 रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7,92,00,000 की कमाई किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2011 की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। साथ ही साथ फिल्म ने थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए थे। अब बात करते हैं कि इस फिल्म को बनने में आखिर 6 साल क्यों लग गए। दोस्तों एक नॉर्मल भोजपुरी फिल्म 1 महीने में बनकर कम्प्लीट हो जाती है, लेकिन इस फिल्म को बनने में 6 साल लगने के पीछे कारण ये था कि ये फिल्म उस समय की भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी बजट की फिल्म थी और इस फिल्म का बजट इतना ज्यादा था जितने में उस समय भोजपुरी में 2 से 3 फिल्में आसानी से बन जा सकती थी। इसीलिए कई बार फिल्म का बजट कम पड़ जाता था जिस कारण फिल्म की शूटिंग को रोक दिया जाता था। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय मनोज तिवारी और रवि किशन इन दोनों स्टार की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी और ये दोनों स्टार किसी भी सीन में अपने आप को कम दिखाना नहीं चाहते थे, जिस कारण शूटिंग के समय इन दोनों में लड़ाई होते रहती थी, जिस कारण फिल्म के शूटिंग को रोक दिया जाता था। यही वो वजह थी जिस कारण ये फिल्म बनने में इतनी देर हो गई थी। तो दोस्तों आपने अगर इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखें। और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।